नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जबलपुर में कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसे गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए बनाया गया शासकीय महिला रानी दुर्गावती अस्पताल भी अछूता नहीं है। इस अस्पताल में बड़ी तादाद में गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं का उपचार किया जाता है। जबलपुर और आसपास के जिलों से गर्भवती महिलाएं अपना इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में आती हैं, लेकिन मरीजों के साथ आने वाले परिजन अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और न ही मास्क पहन रहे हैं। इस वजह से इस अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण फैल जाने का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व में इस अस्पताल में इलाज करा रही कुछ महिलाएं कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसके बावजूद भी महिला मरीजों के परिजन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे पूरा अस्पताल संक्रमण के घेरे में है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अपने स्तर पर परिजनों को बार बार समझाइश दी जाती है, लेकिन परिजन इस समझाइश को दरकिनार कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ और कोरोना का संकट इस अस्पताल के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसे में रानी दुर्गावती महिला अस्पताल के प्रबंधन ने अब पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। अस्पताल प्रबंधन ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखकर मांग की है कि शासकीय अस्पतालों में घर में उन लोग रिश्तेदार चाहें तो मरीज को देख सकते हैं, लेकिन सभी लोग यहीं पर आना चाहते हैं और प्रशासन या जो नियम हैं उनका पालन ठीक से हमारी जनता नहीं कर रही है। हमने एसपी महोदय को भी यहां से एक लिखित पत्र भेजा है कि यहां गार्ड उपलब्ध करा दें, जिससे कि यहां व्यवस्था ठीक हो सके। उम्मीद है कि हम लोगों को यदि गार्ड मिल जाएगी तो ये भीड़ वाली जो समस्या है क्योंकि उसे हम लोग संभाल पाएंगे। ठीक क्या है, जैसे जो नियम है कोरोना के लिए कि यदि अपन लोग व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्क लगाना। यदि भीड़ वाले स्थान में भी व्यक्ति अच्छे से मास्क का उपयोग करे तो उसके संक्रमित होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस भीड़ में 50% से ज़्यादा लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से यदि इतनी भीड़ इकट्ठी होगी तो ये कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने में ही योगदान देंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।